रोहित शर्मा टीम इंडिया में हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं और आज वे विश्व क्रिकेट के चमकते हुए सितारे हैं। यही नहीं, रोहित दुनिया एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके नाम विश्व क्रिकेट में 3 दोहरे शतक हैं। पर शायद आप ये नहीं जानते हैं कि रोहित शर्मा जो कभी गेंदबाज बनने आए थे और आज विश्व के सबसे खतरनाक बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा शुरुआत में एक तेज गेंदबाज बनना चाहते थे और उन्होंने तेज गेंदबाज बनने की तरफ कदम भी बढ़ा दिए थे और यह बात तब की है जब वे खेला करते थे। साल 2005 में श्रीलंका की अंडर 19 टीम भारत के दौरे पर आई। इसमें एक मैच के दौरान रोहित अपने दाएं हाथ की उंगली तुड़वा बैठे थे और फिर कहीं नहीं कहीं इस घटना ने रोहित के गेंदबाज बनने का सपने पर पानी फेर दिया है, क्योंकि रोहित चोटिल उंगली से गेंदबाजी तो कर ही नहीं सकते थे। रोहित ने फिर यहीं से एक बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बनानी शुरू की। हम सभी जानते हैं जब भी खतरनाक बल्लेबाजों की बात की जाती है तो उसमें पहला नाम रोहित शर्मा का ही आता है। यही नहीं, वह बल्लेबाज खास तौर से क्रिकेट में छक्के लगाने के लिए जाना जाता है।